भैया मुनव्वर फारूकी तो बड़े ही छुपे रुस्तम निकले। जैसा कि हम सबको पता है दोस्तों कि कल ही के दिन उन्होंने बब्बी को हमसे इंट्रोड्यूस करवाया था और अब उसी के ही अगला स्टेप उन्होंने क्या लिया इस वीडियो में आपको बताता हूँ। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है RHULBHOJ। मुनव्वर फारूकी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मुनव्वर फारूकी जो है वो सचमुच में दोस्तों नाजिया से प्यार करता है। मुनव्वर फारूकी ने दोस्तों अपने इंस्टा स्टोरी में जहां पर उनके साथ फोटो पिक्चर पोस्ट करी है और साथ ही साथ इसके बाद क्या इसके बाद कल की सक्सेस पार्टी में भी वो पहुंच गए थे। जी हाँ दोस्तों, शिवम शर्मा ने एक्चुअल में अंदर से एक्सपोज कर दी हैं चीज़ें। दरअसल मुनव्वर फारूकी नाजिया के साथ जब पहुँचते हैं तो शिवम शर्मा डांस की फोटोज़ डालते हैं, वीडियोस डालते हैं अपने इंस्टा स्टोरी में, और उसी इंस्टा स्टोरी में जब डीजे अली गाना बजाते हैं दोस्तों तो उसी वक्त मुनव्वर पर फोकस करते हैं शिवम शर्मा, और शिवम शर्मा वहां पर जिस तरीके से फोकस करते हैं तो मुनव्वर यूं करके खुश होकर हाथ हिलाते हैं और उन्हीं के ही बगल में वाइट ड्रेस में ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल जो डांस करते हुए नजर आती है वो है नाजिया। जी हाँ दोस्तों, नाजिया की अगर बात करें तो नाजिया जो है वो ओमान की हैं और वो मुनव्वर की बहुत 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 क्लोज हैं। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये कलंक फिल्म का सॉन्ग जहाँ पर मुनव्वर ने लाइव में गाया था वहीं नाजिया ने उसके बाद उसकी स्टोरी लगाई थी, लेकिन हालांकि उन्होंने तुरंत उसको डिलीट कर दिया था। लेकिन यस, नाजिया ने इस तरीके से सपोर्ट किया था। भाई मैं तो भाई खुश हूँ क्योंकि बब्बी उस भाभी को देखकर लिटरली मज़ा आ गया कि भैया हाँ, मुनव्वर जो है वो सही जगह है। आपको क्या है कहना ज़रूर बताएं, और दोनों की जोड़ी A1 लगती है। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाएं और बिंदास मुझे बताएं कि भैया भाभी और बब्बी कैसी लगी। फटाफट कमेंट सेक्शन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलता हूँ, अपना ख्याल रखें।